बवासीर, पाइल्स, एक इंतहाई तकलीफ दा मर्ज। जो इस मर्ज से मुतासिर हैं, वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आज की हमारी ये खबर फलकनुमा रेलवे ट्रैक के पास से है। फलकनुमा रेलवे ट्रैक कगबी नगर हाशमाबाद के पास एक ट्रेन हादसे में एक मिस्त्री की जान चली गई। ये मिस्त्री का नाम था सैदुलू और इनकी उम्र थी 40 साल, जो कि कभी कभार जो है स्क्रैप का कारोबार भी किया करते थे काम ना मिलने की सूरत में। तो बहरहाल जो है वहां पर ये शख्स की मौत हो गई है, जिसकी खास रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। फलकनुमा रेलवे ट्रैक के पास है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्रार की ये खास रिपोर्ट, आप देख सकते हैं। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला अब्रार, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फलकनुमा रेलवे ट्रैक से, जो कि फलकनुमा से स्टेशन से होता हुआ औरंगडी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर एक शख्स की मौत वाकई हो गई। तफसीलात के मुताबिक शख्स का नाम सैदुलू था, जो कि पेशे से पहले मैसरी का काम किया करता था, लेकिन कुछ दिन से स्क्रैप का काम कर रहा था, जिसके तीन बच्चे बचाए गए, जिसमें दो बेटे हैं और एक बेटी है। इस यहाँ पर ये इतला से मालूम चला है कि शख्स जो है रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ट्रेन से इसका टकराव हुआ और उसकी मौके पर ही मौत वाकई हो गई। जैसा कि मेरे कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी लाश पड़ी हुई है। सैदुलू शख्स, जिसका नाम बताया गया है, जो कि पेशे से मिस्त्री थे, लेकिन उसके बाद में स्क्रैप का काम कर रहे थे, जिसकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। जैसे इसकी इतला मिलती है, रेलवे पुलिस मौके वारदात पर आ चुकी है। यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स को भी इतला दी गई है, तमाम फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या रेलवे ट्रैक के बाजू से कोई दीवार मौजूद नहीं है, तो काफी लोग जो है इस ट्रैक से, इस फातिमा नगर से जो है हाशमाबाद की तरफ जो है रेलवे ट्रैक के जरिए क्रॉसिंग करते हैं। यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए गए हैं, यहाँ पर पूरा जो है ओपन स्पेस है, खुला एरिया है, जिसकी वजह से लोग रेलवे ट्रैक पे क्रॉसिंग करते हैं। तो हम सच न्यूज़ के नाजरीन को से भी एक दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे, तो कभी भी जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर से क्रॉसिंग ना करें, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पे कहीं ना कहीं मौतें वाकई हो रही, क्योंकि औरंगडा रेलवे ट्रैक पर भी कई से बार हादसे पेश आए हैं और आज यहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जैसे इसकी इतला इनके घर वालों को मिली, इनके बीवी का जो है रो रो कर एकदम बहुत ही बुरा हाल है। इनके बेटे भी जो थे, जो बिल्कुल छोटे हैं, वो भी इसको मौके पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर इस शख्स की मौत वाकई हो गई। फातिमा नगर के रहने वाले नो हैंडीकैप कॉलोनी के, एक बजे घर से निकले बाहर और बिल्ले के एक्सीडेंट हुआ, गए या गिरे बोल के हमारे को 15 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन आए, तो देखे यहाँ के ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सैदुलू। क्या उम्र रहती है? 40 के अंदर रहता, 40-38 रहता। मैरिड है? मैरिड है। कितने बच्चे? तीन बच्चे हैं इनको, एक बेटी दो बेटे है। ड्रिंक वगैरह करते थे? ड्रिंक करते हैं। मिस्त्री का काम करते थे, थोड़ा ड्रिंक ज्यादा हो गया था, ड्रिंक कर देते। अभी क्या काम कर रहे थे? कचरा सुनने गए थे, चलो वो काम छोड़ के कभी कभार पीने खाने के वास्ते कचरा सुन लेते थे। कितने बजे निकले? 1 बजे निकले घर से। ये कहाँ पर हुआ? ये मोइन होटल के पास। एरिया कौन सा था? ये कबीर नगर आता, हाशमाबाद कबीर नगर आता। कितने बजे हुआ था वाकया? वो कन्फर्म तो अपन देखे हुए नहीं है, हमारे को तो 10-15 मिनट पहले मालूम हुआ, तो आगे देखे हमारा आदमी बोले। मुकामी लोगों का कहना है कि 2 बजे था, कन्फर्म तो हमारा है बोल के नहीं मालूम था, मालूम तो आखिरी में आके देखे तो हमारा है बोल के मालूम आता। पुलिस आई? रेलवे पुलिस नहीं, अभी दिख रहे ना के अभी तो आए हुए। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर। इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद।